हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फॉर यूर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर का वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे कंप्यूटर में क्या होता है कि वॉलपेपर नॉर्मली चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि विंडोज 7 में आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं सिस्टम के हिसाब से भी, और आप डाउनलोड करके भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि विंडोज 10 में अगर आपका एक्टिवेशन नहीं हुआ होगा विंडोज का, तो क्या होता है कि आप वॉलपेपर सिस्टम वाला चेंज नहीं कर सकते। आपको सिंगल वॉलपेपर मिलेगा यूज करने के लिए, और उसमें से आप डाउनलोड करके ही डेस्कटॉप वॉलपेपर को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है एक विंडोज 10 का सिस्टम है, जिसमें हमको क्या करना है कि वॉलपेपर चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे जो पहला तरीका और सिंपल तरीका है वो ये है कि आपको अपने इमेज पे जाना। ठीक है, जहाँ पे भी आप वॉलपेपर को इंस्टॉल किए हैं या रखे हुए हैं, आपको वहाँ पे जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वॉलपेपर है, मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉलपेपर है, देखिए ये चेंज हो जाएगा। ये सिंपल मेथड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही दोस्तों, अगर आपका विंडोज 10 में अगर आपका प्रोडक्ट की एक्टिवेट नहीं है, तो आप सिस्टम वाला वॉलपेपर को यूज़ नहीं कर सकते हैं इजली मेथड से। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक करके ऑल सेटिंग्स पे जाना है और पर्सनलाइज पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सिस्टम में वॉलपेपर है पहले से, जैसे कि ये फूल का है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर लिखा है यू नीड टू एक्टिवेट विंडोज़ बिफोर यू कैन पर्सनलाइज योर PC, एक्टिवेट विंडोज़ नाउ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आप यहाँ का भी वॉलपेपर को यूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फुल का जो वॉलपेपर है उसको यूज करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेंगे। उसके बाद आपको सिंपल PC के अंदर जाना है, और उसके बाद यहाँ पर सर्च दिस PC के अंदर में आपको टाइप कर देना है वॉलपेपर, और उसके बाद आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने दो वॉलपेपर का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो आपको सबसे ऊपर वाला पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे विंडोज़ लिखा हुआ है। ठीक है, विंडोज़ के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा इमेज है विंडोज़ का, तो आपको इसमें से लगाना है। तो ठीक, नहीं तो आपको क्या करना है, बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉलपेपर है और विंडोज़ स्लाइस वेब है, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विंडोज़ और विंडोज़ 10 का ऑप्शन है, तो आपको जो है विंडोज़ पे क्लिक कर लेना है। तो आपको इस तरीके का इमेज दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप बैक आएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लावर्स का ऑप्शन है। ठीक है, आप फ्लावर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितना भी फ्लावर्स आपके सिस्टम में है वो सभी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी एक को सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस पर राइट बटन क्लिक करके मैं सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक कर लूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये हमारा जो है वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। और आप यहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं कि जो वॉलपेपर था वहाँ पे वही वॉलपेपर है, यहाँ पे जो पहले से था वही वॉलपेपर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों, आप इस तरीके से जो है बिना प्रोडक्ट की का जो है आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। सिस्टम का जितना भी वॉलपेपर है सभी को आप चेंज कर सकते हैं।